हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ कोमल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीक्वेंस और सीरीज का लास्ट एग्जांपल। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हमें जे डबल इक्वेशन पेपर में पूछे जाते हैं हर बार, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो क्या है एग्जांपल। लेट ए वन इज इक्वल टू एट, ए टू ए थ्री डाइजेस्ट अप टू ए एन, बी एन ए पी। इफ़ द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स इज 50 एंड सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म्स इज 170, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल टू टर्म्स इज। तो हमें क्या दिया है, पहले हम वो गिवन लिख लेते। चलो, सो ए वन इज इक्वल टू, हमें क्या दिए, फर्स्ट टर्म। हम फर्स्ट टर्म क्या कंसिडर करते, ए बी कंसिडर करते, तो 8 जो हमें गिवन है। सेकेंड हमें क्या बोला है, ए टू ए थ्री डाइजेस्ट अप टू ए एन, जो क्या है, हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। नेक्स्ट क्या है, इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म की सम हमें कितनी दी है, 50। सो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इज इक्वल टू 50। और आगे क्या दिया है हमें, सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म्स इज 170। लास्ट फोर टर्म्स की हमें सम करनी होगी, तो लास्ट फोर टर्म्स क्या आएंगे हमारे, ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 170। ठीक है, तो हमें जो गिवन था हमने लिख लिया। आगे हमें क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल टू टर्म्स, जो हमें मिडल टू टर्म्स मिलेंगे उनका प्रोडक्ट पूछा है हमें। तो इससे हमें क्या निकालना होगा, मिडल की टर्म्स निकालनी होगी। कैसे आएगी, तो पहले जो दो इक्वेशन है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, से इट एज इक्वेशन वन एंड टू। नेक्स्ट बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस, अगर हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, ए वन प्लस ए एन, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस यहाँ पे ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू, यहाँ पे ए फोर प्लस ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 50 प्लस 170 कितने आते हैं हमारे, 220, दोनों की एडिशन की हमने। ठीक है, तो हमें एक नया इक्वेशन मिल गया इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जो भी हमारी सफिक्स हुई, यहाँ पे क्या है, ए वन प्लस ए एन, तो यहाँ पे जो टर्म्स का सफिक्स है, यहाँ पे सफिक्स है, दोनों सफिक्स की अगर सम इक्वल आई तो वो दो टर्म्स क्या रहती हमारी, इक्वल रहती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वन प्लस एन, मतलब इन दोनों के सफिक्स की सम क्या आई इस टर्म के लिए, एन प्लस वन। ठीक है, इसके लिए एन प्लस वन आई। नेक्स्ट इसके लिए क्या आने वाली है, एन माइनस वन और टू है, तो सफिक्स की सम आई एन प्लस वन। यहाँ पे देखो, थ्री प्लस एन माइनस टू विच इज़ एन प्लस वन, यहाँ पे भी फोर प्लस एन माइनस थ्री इज एन प्लस वन, सारे सफिक्स की सम क्या आई हमारी, एन प्लस वन आई। तो हमारे जो ये टर्म्स, ये सब टर्म्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी, अगर सफिक्स के टर्म्स सम आप जम लेंगे तो वो सेम आएगी, तो हमारी जो टर्म्स दी हुई है वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हमारी ये जो सारी टर्म्स है ये क्या है, इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर टाइम्स ए वन प्लस ए एन इज इक्वल टू 220, इस बार ऐसे लिख सकते। इससे हमें क्या मिलेगा, ए वन प्लस ए एन इज इक्वल टू 220 अपॉन 4। इससे हमारा आंसर क्या आने वाला है, देखो 55। तो हमारा ए वन प्लस ए एन क्या आया, 55। तो हमारे पास ए वन तो गिवन है, क्या है, 8। सो ए एन क्या आएगा हमारा, 55 माइनस 8 विच इज़ 47। हमें एक और इक्वेशन मिल गया, मतलब ए एन की वैल्यू मिल गई, ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 47। ठीक है, ए एन को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 47।
क्या है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 47। an की ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो हमें एक और नया इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इक्वेशन 3, क्योंकि ये हमें बाद में लगने वाला है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, d की वैल्यू। हमारे पास d की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम वो पहले निकाल लेते। कैसे निकालेंगे देखो, जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी थी, क्या a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 40, तो इसका मतलब क्या रहता है, ये सब क्या है हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही, ये हमें दिया है, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a, ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी। थर्ड टर्म्स को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, और इसको a प्लस 3d, विच इज इक्वल टू क्या है हमें 50। लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि सब क्या है हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए, तो सबका कॉमन डिफरेंस तो सेम रहने वाला है, सिर्फ वो सीक्वेंस ए पी में। तो इससे क्या आएगा हमारा, 1, 2, 3, 4 टाइम्स ए प्लस 1, 2, 3 और 4। हम यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 2, 3 और 3, 6 टाइम्स डी इज इक्वल टू 50। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मालूम है, क्या है ए की वैल्यू हमारे पास, 8। तो 8 फोर ज़ा 32, 50 माइनस 32 यहाँ से क्या आएगा हमारा, 6d इज इक्वल टू कितने रिमेनिंग रहेंगे, 18। और यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 3। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 में अगर d की वैल्यू हमने पुट कर दी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्या मिला हमें अभी, 3 मिला, और विच इज इक्वल टू 47। तो यहाँ से देखो कैसे मिलेगा हमें, ये 8 यहाँ पे प्लस यहाँ जाते टाइम माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 47 माइनस 8। तो 47 माइनस अगर हमने 8 कर दिया तो हमें क्या मिलने वाला है, विच इज 39 प्लस ये 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 42। यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 14। n की वैल्यू हमें क्या मिली, 14, ठीक है। हमें d की वैल्यू मिली 3, n की वैल्यू मिली 14। तो n की वैल्यू हमारी क्या है, एक इवन नंबर दिया हुआ है। अगर हमें इवन नंबर हो तो मिडल की टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, मिडल टर्म्स कैसे आएंगे हमारे, देखो मिडल टर्म्स, अगर n हमारा 14 है, मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए दो टर्म्स मिलती है, n अपॉन 2 और n अपॉन 2 प्लस 1, ये दो टर्म्स हमारी मिलेंगी मिडल टर्म्स। n की वैल्यू 14 है तो मिडल टर्म कैसे आएंगी, a7 और a8। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a7 और a8। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ an। an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हमने 7 सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें क्या मिलेगा, a7। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 3, विच इज क्या था हमारा, 8 प्लस 6 इंटू 3 विच इज 18, विच इज 26। और यहाँ पे क्या आएगा, a8 के लिए 8 प्लस 8 माइनस 1 विच इज 7 इंटू 3 विच इज 29। हमारा क्या आंसर है यहाँ से, 29, ठीक है। और इनका अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया, a7 इंटू a8, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 26 इंटू 29, और इसका कैलकुलेशन क्या आता हमारा, 754। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू टर्म्स इज 754 इज द सोल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।